विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो आइए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो स्वरों का वर्गीकरण हमने किया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अब वृत्ताकार में आपको बताया गया था कि जिनके उच्चारण में होठ गोल होते हैं, उ उ ओ औ और ये आगत स्वर वृत्ताकार हो जाते हैं, बाकी सब क्या हैं, अवृत्ताकार हो जाते हैं। फिर दूसरा जो था, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर तीन प्रकार के, जिसमें अग्र, मध्य और पश्च था। तो जिसमें आपको याद रखना था ये मध्य स्वर आपका ह्रस्व आ है, फिर उसके बाद में ये तीन की संख्या से जितने भी बनते हैं सब पश्च हो जाते हैं, जिसमें दीर्घ आ और उ उ ओ औ और ये आगत स्वर आपका, और ये क्या कहते हैं इ ई ए ऐ और री, ये आपके अग्र स्वर हो जाते हैं। उसके बाद देखो उच्चारण स्थान के आधार पर छह प्रकार थे, जिसमें कंठ था, तालु था, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ। तो आ आ आपका कंठ है, आगत स्वर भी कंठ में ही आ जाएगा। ई ई का उच्चारण स्थान तालु है और री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, उ उ ओष्ठ है और ए ऐ कंठ तालु, ओ औ कंठ ओष्ठ है। उसके बाद देखो कि तालु की स्थिति के आधार पर जो चार प्रकार थे, समृद्ध था, अर्ध समृद्ध था, विवृत था और अर्ध विवृत था। तो जिसमें आपको बताया गया था कि विवृत आपको याद रखना है कि जो दीर्घ आ होता है ये विवृत होता है, अर्थात दीर्घ आ के उच्चारण में मुंह पूरा खुल जाता है। तो भाई ह्रस्व आ के उच्चारण में मुंह आधा खुलेगा और विवृत में मुंह पूरा खुल जाएगा। तो दीर्घ आ आपका विवृत है और ये आ जो है ये अर्ध विवृत है। फिर उसके बाद क्या बताया गया था कि ई ई और उ ई ई और उ ये क्या है आपके समृद्ध हैं, ई ई उ उ आपके समृद्ध हो जाते हैं। फिर उसके बाद ए आई और आओ है ना, तो ये वृद्धि स्वर है तो ये अर्ध विवृत हो जाएगा। ए ओ जो गुड़ स्वर है ये अर्ध समृद्ध हो जाएगा, री में भी इसी में आ जाएगा। तो इसको आपको याद रखना था। उसके बाद फिर क्या था कि बनावट रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, बनावट रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। मूल स्वर होता है दीर्घ संयुक्त या संधि स्वर। तो इसमें देखो मूल स्वर आपकी यही चार हो जाते हैं, आ आ ई आ ई उ री, ये चार हो जाते हैं। और जो दीर्घ स्वर है आपका इसका भी विभाजन कर दिया गया है, सजातीय में आपका दीर्घ आ और दीर्घ ई उ आ जाएगा, और विजातीय संयुक्त या संधि स्वर में ए ऐ ओ औ हो जाएंगे। और देखो मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के हैं, मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के हैं, जिसमें आपका ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत हो जाएगा। ह्रस्व आपके जिनकी एक मात्राएं होती हैं आ ई उ री हो जाएंगे, दीर्घ जिनकी दो मात्राएं होती हैं, ये सात स्वर हैं आपके दीर्घ, जिसमें दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ऐ और ओ औ, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लुत जो है ये आपके ह्रस्व आ और सात जो दीर्घ स्वर हैं ये प्लुत होते हैं, इनकी तीन मात्राएं होती हैं। इसी तरह आइए हम व्यंजनों का वर्गीकरण एक नज़र देख लेते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण छह प्रकार से किया गया है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और दंत ओष्ठ। तो कंठ में आपका काखा, गाघा, अंगा और हा आ जाएगा। तालु से उच्चारित होने वाले में चा, छा, जा, झा, इया, या और सा, ये सात व्यंजन हो जाएंगे। मूर्धा से उच्चारित में टाठा, डाढ़ा, अड़ा, रा और ये मूर्धा सा हो जाएगा। दंत से उच्चारित में ता, था, दा, धा, ना, ला और सा हो जाएगा। ओष्ठ से उच्चारित में पा, फा, बा, भा, आपके माँ, ये पांच हो जाएंगे। दंत ओष्ठ आपका क्या है, वाह है। फिर उसके बाद देखिए श्वास की मात्रा या प्राणत्व के आधार पर जो व्यंजन है दो प्रकार के हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो 15 तो ये हो जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन चार आपके और सभी स्वर
सभी स्वर जो 11 हैं, तो टोटल ये कितने हो गए, ये 30 वर्ण आपके क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। उसके बाद महाप्राण देखिए कि वर्गों का द्वितीय चतुर्थ है ना, तो 10 वर्ण तो ये हो जाएंगे, 4 ऊष्म व्यंजन, तो ये 14 आपके क्या होते हैं, महाप्राण हो जाते हैं। तो 14 और 30 ये 44 आपके जो मूल वर्ण होते ही हैं। उसके बाद देखो स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर या घोषत्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अघोष होता है, घोष या सघोष उसी को कहते हैं, अघोष और घोष। तो देखिए वर्गों का प्रथम और द्वितीय, तो 10 वर्ण तो ये हो गए और ये तीनों 7 है ना, तो ये 13 वर्ण आपके क्या होते हैं, अघोष हो जाते हैं। अघोष वर्ण जो हैं ये वर्गों के तृतीय चतुर्थ और पंचम, 15 वर्ण ये हो जाते हैं, या रा लावा और हा है ना, तो 5 ये 20 हो गए और सभी स्वर 11 स्वर, तो ये 31 व्यंजन क्या होते हैं, घोष होते हैं। तो 31 और 13 ये 44 मूल व्यंजन आपके यही होते हैं मूल वर्ण। तो मूल वर्ण क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आ जा रहा है। देखो फिर उसके बाद ये उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का जो भेद किया गया है वे 8 प्रकार हैं। 8 प्रकार में कौन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन है, तो स्पर्श व्यंजन में आपके का से मा तक यही 25 वर्ण आ जाएंगे। उसके बाद स्पर्श संघर्षी व्यंजन में यही आपका चा छा जा झा आ जाएगा, क्योंकि स्पर्श संघर्षी है ना, ध्यान रखिएगा, स्पर्श संघर्षी पूछेगा तो चा छा जा झा हो जाएगा, क्योंकि आपका स्पर्श व्यंजन है चा छा जा झा। संघर्षी पूछेगा तो ये तीनों सा ये हा ये संघर्षी व्यंजन आपके हो जाएंगे, और ये जिन व्यंजनों के आगे नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर लिया गया है ये भी संघर्षी ही माने जाते हैं। उसके बाद देखिए अंतस्थ व्यंजन यारा लावा ये 4 हैं, उसमें व्यंजन आपके ये सा 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 हा ये 4 हैं। प्रकंपित या लुंठित है ना, तो हमने कहा था कि लुंठित ला नहीं होता, लुंठित रा होता है, जब भी पढ़ना प्रकंपित और लुंठित को एक साथ में पढ़ना, तो प्रकंपित ये आपका रा हो जाएगा, प्रकंपित या लुंठित, और पार्श्विक आपका ला हो जाएगा, ताड़न जात या उच्छुक्त व्यंजन आपके ये अणा और अढ़ा हो जाएंगे। तो देख लिया प्रिय विद्यार्थियों कि हम लोगों ने एक पेज दो पेज पर पूरा हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण देखा गया, तो आप इसको एक बार अवश्य पढ़िएगा, और क्लास अच्छी लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में।